जी अस कराची प्रेस क्लब सामू बीठा आयो जिते बहरिया टाउन पारा जी गिरफ्तारू कराई व्यून उन आज़ादी के लिए एक्शन कमेटी पारा एहतजाज थी रो है अचो एहतजाज कदड़ अगवाणा था पुछू तो उनको कड़ो मौकफ है जी जिन अखबारों के गिरफ्तार किया वो है उनके आज़ाद किया वे अस बहरिया टाउन के खिलाफ पूरा मन एहतजाज पा क्यों में गिरफ्तार केस दाखिल कर सफा गैरकानूनी उनके आज़ाद किया वे ये केस खत्म कर बाकी जे सो वी जो मूँ हुआ उन्होंने केयर कस्टडी जैसी बाकी अस वकील बरादरी गुड आयो इंशाल्लाह आखिर दम से गुड हूँ उनके आज़ाद कराई रहा पंजा नुकसान पान कराए असाजे लीडरशिप के केस क्या गया जिसकम की सजी सैद क्यादत के गिरफ्तार किया वो है और असाजा सवे कारकुन लापता है सवे कारकुन के जेल में पड़ी है असा ही सरपी होते काम तमाम मीडिया के जरिए जड़ा आयो तो तू अल्लाह एफ आई आर न पर तू सवे एफ आई आर कटाईंदे ही जितो जद बंद न थी मुल्क रियाज जी असा मुल्क रियाज के खिलाफ जो भी इतजाज किया सजी सिंध में अस कहे और बो जो इंदड़ असान हुकुमरानों डी कोट जो जै ढी अस सिंध सिंधी जो जरा कहे घर कराची तो उनकी दिल कराची सिंध की माँ कराची सिंध है तेरे यो जैन में मलिक रियाज उनका वादा कटी छी तो अस को केसन का दिंदी अस को जेलन का दिंदी अस को भाई घाट दिंदी असि शिकार हो चुकी है एक तो धरती असो सिंध वतन है धरती है उनते गैरकानूनी तौर से कब्जा कराए वालार कराए उतने लखन करोड़ की तादाद में घर के आबाद कर मेगा स्कीम बहरा टाउन के नाले में डीएसए के नाले में जुल्फकाराबाद के नाले में बिन अड़े खतरनाक रिथाओं के नाले में तरक्की के नाले में ये रिथाओं कायम कर मकामी मानों के लड़ाने की साजिश की हुई जैसे खिलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी तरफा 6 जून से लखें सिंधन उन शे रद्द कर रेफरेंडम के जरिए बुधा तो अस कें भी रीत जो है या साजिश कामयाब थे नींदी तो कामयाब जो लखे मानों को धरणो हो उन रियासत मलिक रियाज बहरिया टाउन इंतजामिया बुखराए जी उते हथ वी मिल्कत के घर के बिल्डिंग के बाहू दई कौमी कानून असी समझू तो ही तो है एफ आई आर 5/18 एफ आई आर को मसलो को ने को अन्य एफ आई आर तो आप कदो जेल भरो तारीख लाओ कौमी कारकुन ही सिंध एक्शन कमेटी का कारकुन ही सिंध धरती धनी जो है तो उनमें पांजो पूरो पार्टिसिपेट करना ताजा पूरा जेल भरिंदा पर पांजे मुतालबे दा सिंध जी खुशहाली आज पे आरे मुतालबे दा सिंध जे वालार वारे मुतालबे दा जेका धारन जी थी रही है सिंध में धारन के जेका आबाद करे ते जो का सिंध के अकलीत में तबलीग करने वाले मुतालबे दा अस कद भी हथ न खड़ासी अस कामयाब थूं पा सिंध सरी अस गड है ये जी हुकूमत है जो ये सरदार जो पार्टनर मलिक रियाज जो पार्टनर जरदारी है उनके मत मलामत थी रही है असि समझू था ये एफ आई आर अस कुछ भी को ये असा जेवर जेवर पाइंदे खबर खपे तो हि जे कौम परसन हि धरती जा मालिक वारस हैं हि सियासी कारकुन जो जदोजहद कंदा वेड़ कंदा अगते वधंदा ये धरती असा ता चाहूं तो जडे वही पीपुल्स पार्टी आ जडे ये गोठ डन पिया सलीम बलोच जे गोठ डमलो थियो तो पीपुल्स पार्टी उन दौरान भी ये मुझ में उन्हें मारे पोने तो उतन पा पर जडे असा खड़ा थी बीठा हूं उहे गोठ खेत बचाईंदा तो हि असा ता गडन
अड़े किरदार अस मलामत कद चौथा धरती असि माव अस धरती के लिए हर एक इंच इंच जो अस तहफुज कदे पैया टाउन जो गैर कानूनी ठहल है इनके ढातो वे खत्म कर वे जैसे तो लाहौर में पैया टाउन खत्म थी तो ये कें बहाल रही सके हर हाल में बुनियाद रखो ही मकसद वेहना पवान कुंड मरकजी अगुवान अमजद खान भाई सर दीदार शाम उनके भी इदारा खंभे खड़ी उनका भी असा कारकुन हुआ मीडिया के थ्रू यो चवण चाहें तो बाबा अस रोज नवा पुटंदा तमा बारिया टाउन जे अग्या जका गेट जे क्या धरो हो पुरमन उन त तशद वासी बेसक बोला वसाया ए बारिया टाउन के पानी बाह जा रहा है ने जवाब पैदा कयो गिरफ्तार जो है अगवान जे गिरफ्तार जो उन मु साबित थियो त ता कब्जा आयो वो इने जे करे बाह जा रही वही है जो का केस दाखिल करायो कोमी क्या त गिरफ्तार कराने कोशिश कई वई है त जिए असा ऐलान कयो सिंध चैन कमेटी प्लेटफार्म ता जैसे पर्या टाउन के रद्द न कर वो ये जो जमीनू गोठान जो है उन्होंने वापस न कई व्यू तो असो बजट जो हलदड़ सेक्शन होंद असेंबली जैखा पोए उनन कौमी कारकुनन के पकड़ो उनन के तशद्दुद कयो उनन के अजी तंगलन ते बंद कयो असा जे समूर नगवान मथा उनन दहशत करन ते एक्ट ते केस दाखिल कयान असा मजमत था कयो ई हुकूमत जेका चवन ता सिंधन जी हुकूमत आ पर हनन ते बेशर्मिंदा सब लिखाई लताड़े छड़िया असा जी हुकूमत में असा सा एडा जुल्म असा सा एडा कहर जमीनू असा जो बनियो असा जो पेट असा जा धरती असा जी उन ते धारे काबिज है सजी कराची में तमा दिसो धारे काबिज है ये जेके सब थारे हैं ये सब गैर कानूनी है ये पैरिया टाउन गैर कानूनी है जेकर उन खिलाफ सिंध जहाँ मानू पुरमन मुजाहरो कन था पुरमन एहतजाज कन था पुरमन तहरीक हलन था तो उन मथा दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल कर सठ साल की तारीख गवाह है सिंध जहाँ मानू पुरमन रहा कालाबाग डैम के खिलाफ जदोजहद ऐसो बलजाती निज़ाम के खिलाफ जदोजहद ऐसो नीलाम बंद करो तहरीक के खिलाफ जदोजहद ऐसो ये माजी जो शानदार जदोजहद सिंध के मानून हलन वटी उते असाजा जेके रहन पिया सिंधी मानू ने जा माग खत्म किया था वन जा घर खत्म किया था वन असाजो लीजू कैंसिल कई थी वन सेवन फार्म जी जमीनू बंदूक जो जोर ते वरती थी वन कल मुके अफसोस यो आ तो नडी ते उहे दहशतगर्द उते पोताएन जेके 12 मई ते सजी सिंध जे रोडन के लालो लाल कयो वयो बलजा जतरा एडा वडा सान्या करे उनन के 300 मानू जिंदा जलाया व्या उनन के मारियो वयो ए वकीलन के जको जिंदा जलायो वयो ए उनन साथारन के बरिया रियाज मलिक घुराए करे असन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएन जेके भी उन हन टाइम जेके गद बीठा हन असी इयो चोंदा से ये सबई सिंध दुश्मन हन ए असन जी घुर आए त असन जी मरकजी क्यादतन खा वठी जिनन ते कूड़ा केस दाखिल किया हन जेके गिरफ्तार किया हन जिसकम जी पूरी मरकजी क्यादत इन टाइम गिरफ्तार है सनान का वठी उन जी सजी क्यादत गिरफ्तार है असि उन के बुधायण चो घुरूं था तो ये कूड़ा केस खत्म करे असाजी घुर है जो कि इन मेड़ जी तो ये कूड़ा केस खत्म करे उन के फौरन आजाद कर जाहिर कर अजा 37 नौजवान
घुमन अस समझू था बर्बरियता ही डाढ़ा ही जुल्म इन सजे डाढ़ के पीपुल्स पार्टी बीठी है। पीपुल्स पार्टी के याद रखना खपे अज अस वाज उनके मैसेज दियण चाहूँ था तो सिंध एक्शन कमेटी कें भी सूरत में जेके तहां दलाली जो किरदार अदा करे सिंध जो जमीन विकरो कयो जेसे वापस नथा कयो कैंसिल नथा कयो जदोजहद जारी रहंदी अगवान असा कूड़ा केस खत्म कयो जेके भी एफ आई आर तहां कटी उन जन मानू के तहां नॉमिनेट कयो आ उहे एफ आई आर तहां खत्म कयो गिरफ्तार जिसकम जी सजी मरकजी पार्टी बिया जेके भी सियासी कारकुन जेके न परोम सियासी कारकुन गिरफ्तार कया उनके आजाद कयो उन हवाले सां सिंध एक्शन कमेटी तरफा सजी सिंध में जा जो सदो यकीनन ही स्ट्रगल हाँ जारी रही जैस तीन अस मैर बैर टाउन जाए तदा ना क्यों मलक रिया के सिंध ना कर रहा तेस तीन असद जोदोजद जारी रही शिरकत हुई लिखी छो दादारी का पूजा छ दुश्मनी करे जो झूठन सिंध के मान के बेदार करे सिंध को सिंधी एक्शन कमेटी वो सिंध मान की वापसी कहती असा पहुंचाई ये गिरफ्तार ये का भी माना नो दौर दौरा जो तो हकीकत घुट जो तो सवाल किया वो सोनहरी सवाल है छो तो जैसे एम आर डी की जदोजहद हली तो उन वक्त सजी सिंध इं ही गड हुई जी अज सिंध ग पर एम आर डी के दौर में पीपल्स पार्टी मजबूर हुई असा गड़ी हली जदोजहद में शराकत हुई जैमें बेनजीर साहबा जिंदा हुई पीपल्स पार्टी इन वक्त जहाँ ये जदोजहद सिंध एक्शन कमेटी में उनमें जरदारी लीग ना पीपल्स पार्टी न चो जरदारी लीग आ छो तो इन जो पिप न तो भरजे सिंध जो समूर जमीनू इन खपायन लखे एकड़ सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम आ तो 16,000 एकड़ का बाहर न निकरे दीवार दियो उ दीवार न पर लखे एकड़ सिंध की बेन जमीन कई अन हिंसा जहाँ जदोजहद अस कई शायद एम आर डी का भी वही हुए छो तो जैसी तीन बहरिया टाउन जो फैसलो तय न तो थे सिंध जहा कौमी कारकुन जो बेगुनाह जेल में विधा वह आजाद रुबी जी अज कराची प्रेस क्लब आयो सिंध एक्शन कमेटी पारा एहतजाज थी रो अस अगवाण का पुछो उन्होंने इो ही मुतालबो हो असा जो गिरफ्तार कारकुन है जो अगवाण सनान कुरेशी समेत आज़ाद किया वे ना ही धरना ही एहतजाज जारी रहा। कैमरामैन सजाद अली संगद फारूक भंगवार सोच टीवी कराची।